हेलो मित्रों नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह, आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हमें हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वेलकम का लोग मित्रों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को एक स्पूर्ति में जारी की होंगे। तो दोस्तों, पिछले दिन जो हमने कैलेंडर के ऊपर वीडियो बनाया, उसमें वीडियो क्रैश हो गया था। उससे आगे हम लोग चर्चा करते हैं कैलेंडर के बारे में। हमने कई सारी चीज़ों को आपको बताने की कोशिश की है, तो अब हम जो है उस पर बात करेंगे। उनके कुछ न्यूमेरिकल हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। तो देर ना करते हुए मित्रों आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन इस तरीके से पुट अप किए जाते हैं। क्वेश्चन था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर हमने आपको बताने की कोशिश किए थे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ थी जो हमने सबसे पहले आपको दे दी। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि 1947वां वर्ष दिया हुआ है। इसमें हमने क्या किया, 1947 वर्ष हमने अभी पूरे नहीं कर पाए हैं, मात्र 15 दिन पूरे किए हैं। मात्र 15 अगस्त में, अगस्त के महीने में हमने 15 दिन पूरे किए हैं और 1947वां साल प्रगति पर है जो हमने पूरा नहीं किया है। तो सर्वप्रथम हमें ये चेक करना है कि यह वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अगर साधारण वर्ष होगा उसमें फरवरी 28 दिन की होगी, अगर लीप वर्ष होगा तो उसमें फरवरी 29 दिन की होगी। मित्रों, तो जब हम इसमें 4 से डिवाइडेशन करेंगे तो 4 से भाग देंगे तो 4 × 16 बचेगा 3 और हो जाएंगे 34, 34 तो 32 बचेंगे 2 हो जाएंगे 27 और 4×6 = 24 बचेंगे 3। इसका मतलब शेष बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। अगर रिमाइंडर बच जाए, शेष बच जाए तो समझ लो साधारण वर्ष है, और शेष अगर ना बचे, रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब लीप वर्ष होगा, और लीप वर्ष होगा तो फरवरी 29 दिन की होगी। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पर 1946 साल पूरे किए हुए हैं। 1946 साल को हमें क्या करना है, खंडों में करना है। जैसे 1600 इसको लिखेंगे, धन 300 लिखेंगे और धन 46 लिखेंगे। जब हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, अब हम इसको ऐड करेंगे 1600 और 300 और 46, तो 1900 और 46 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1946, और 1946 हो गया। तो हमें सर्वप्रथम मालूम है कि कौन से शताब्दी में कितने विषम दिनों की संख्या होती है, और हमें विषम दिनों, जैसे 100 में विषम दिनों की संख्या 5 होती है, 200 में विषम दिनों की संख्या 3 होती है, और 300 में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, और 400 में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। तो यहाँ पर 1600 में जो विषम दिनों की हमारी संख्या होगी वो 0 होगी, और 300 में विषम दिनों की संख्या हमारी 1 होगी, और 46 दिनों में सर्वप्रथम हमें क्या करना है, इसमें हमें चेक करना है कि इसमें कितने लीप वर्ष हैं और कितने साधारण वर्ष हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 से भाग देना पड़ेगा, और जितनी बार भाग जाएगा उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 46 को ऐड करना पड़ेगा। तो 4 × 4 और 4 × 4 यानी कि 11 बार पूरी तरीके से चला जाएगा, और 11 बार अगर पूरी तरीके से चला गया तो इसका मतलब इसमें 11 क्या हो गए, 11 लीप वर्ष हो गए। 46 में से 11 घटा दो, बाकी क्या बचेंगे, हमारे साधारण वर्ष बचेंगे। तो 46 और 11 जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 = 7 और 4 और 1 = 5, 57 हो जाएगा। 57 में अब हमें देखना है कि इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी, विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 का भाग देना पड़ेगा, और जब हम 7 का भाग देंगे तो 7×8 = 56 होता है। तो 7×8 = 56, तो कितना शेष बचेगा, रिमाइंडर 1 शेष बचेगा, यानी कि 1 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब 46 वर्षों में जो विषम दिनों की हमारी संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। तो अर्थात दिस इंप्लाई दैट 1 और 1 जब हम जोड़ लेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या हमारी कितनी आ गई, यानी कि 1946 वर्षों में जो विषम दिनों की संख्या है वो 2 है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें 15 अगस्त तक देखना है कि इसमें 15 अगस्त तक विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31, यानी कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। और एक और साधारण तरीका, हमें अपनी मुट्ठी बंद करना है और इस तरीके से देखना है, ऊपर उभरा हुआ होगा तो समझ लो महीना 31 का होगा, नीचे चला जाएगा तो समझ लो
तीस या उनतीस या अट्ठाईस लेकिन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि जो उभरे हुए होंगे वो 31 दिन के महीने होंगे और जो नीचे धसे हुए होंगे वो 30 दिन के महीने होंगे और साधारण वर्ष होगा तो 28 दिन की फरवरी होगी और लीप वर्ष होगा तो 29 दिन की फरवरी होगी। मित्रों तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं कितने दिनों में कितने विषम कौन से महीने में कितने विषम दिनों की संख्या होती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, जाहिर सी बात है अगस्त में हमने मात्र अभी कितने दिन पूरे किए हैं, मात्र 15 दिन पूरे किए हैं। जनवरी जो होती है वो हमारी 31 दिन की होती है, फरवरी यहाँ पर हमने देख लिया है कि साधारण वर्ष 1947 में, तो इसका मतलब फरवरी जो हमारी होगी वो 28 दिन की होगी और मार्च यहाँ पर 31 दिन की होगी, मई मार्च अप्रैल जो होगा वो 30 दिन का होगा और मई जो होगी वो 31 दिन की होगी, जून जो होगी वो 30 दिन की होगी और जुलाई यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई कितने की होगी 31 दिन की होगी और 15 दिन हमने अगस्त में पूरे किए। अब जनवरी के महीने में हमें याद रखना है कि जनवरी के महीने में जो विषम दिनों की संख्या होती है वो कितनी होगी, कैसे निकालें। 31 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 होता है, 3 रिमाइंडर बचता है, तो इसका मतलब जो है 3 विषम दिनों की संख्या आ जाएगी। 28 में अगर हम 7 से डिवाइडेशन करते हैं 7 चौक 28 यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। और 31 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 31 में जो विषम दिनों की संख्या है वो 3 हो जाएगी, 30 जहाँ पर होगा वहाँ पर 2 हो जाएगी, जहाँ पर 31 होंगे वहाँ पर 3 हो जाएगी, जहाँ पर 30 होंगे वहाँ पर 2 और यहाँ पर 31 में 3 हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है 15 दिन हमने पूरे किए हैं, 15 दिन में अगर हम विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो 7 से अगर हम भाग देंगे तो क्या होगा, 7 × 14 रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, यानी कि अगस्त के महीने में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अब हमें टोटल क्या करना है, ऐड कर लेना है जितने भी विषम दिन हमारे आए हुए हैं, 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16 और 1, 17। जब हमने ऐड किए यहाँ पर 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11 और 2, 13, 3, 16, 1, 17 यानी कि 17 आ गए हमारे विषम दिन, कितने आए हैं 17। और यहाँ पर जो 17 दिन आए हैं 17 में हमें विषम दिनों निकालने होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7 × 14 हो जाएंगे, 7 में से 4 चला जाएगा 3 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, शेष जो है 3 बच रहा है, अर्थात 17 दिनों में जो विषम दिनों की संख्या आएगी वो कितनी होगी, 3 होगी। 2 हमारे यहाँ पर ऑलरेडी पहले से विषम दिन निकल के आ चुके थे, 3 और निकलेंगे तो 3 और 2 = 5 हो जाएंगे, अर्थात हमने आपको बताया था कि 0 आ जाए तो रविवार, 1 आ जाए तो सोमवार, 2 आ जाए तो मंगलवार, 3 आ जाए तो बुधवार, 4 आ जाए तो बृहस्पतिवार, 5 आ जाए तो शुक्रवार और 6 आ जाए तो शनिवार और 7 आ जाए, 7 से जब 7 में भाग ही देंगे तो 0 आ जाएगा, अर्थात जो है क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। और जब यहाँ पर हमारे 5 विषम दिन आ रहे हैं तो इसका मतलब 5 शेष आया, हमने आपको एक चक्र के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश किए थे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 0 हमने बताया था रविवार हो जाएगा, 1 सोमवार हो जाएगा हमारा, 2 मंगलवार हो जाएगा हमारा, 3 बुधवार हो जाएगा हमारा और 4 गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, 5 शुक्रवार हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा और 6 इसका मतलब शनिवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। और कहीं पर 7 अगर आ जाता है तो 7 से जब 7 अगर हम डिवाइडेशन करेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हमारे 5 रिमाइंडर आ रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को जो है शुक्रवार का दिन था, कौन सा दिन था, शुक्रवार का दिन था। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को जो दिन था वह कौन सा था, शुक्रवार का दिन था। अगर आपने यहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश की तो मित्रों आप डेफिनेटली यहाँ पर आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आपसे जो है कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, अब आप आसानी से इन सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। जैसे और अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, इसको
साफ करते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे 26 जनवरी सन 1950 को जब हमारा गणतंत्र दिवस लागू हुआ था तब कौन सा दिन था? 26 जनवरी सन 1950 को जब हमारा गणतंत्र दिवस लागू हुआ था तो कौन सा दिन था? थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? बड़ा आसान तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। जैसे 26 जनवरी 1950 हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमें सर्वप्रथम क्या चेक करना था कि यह लीप वर्ष है कि नहीं है। लीप वर्ष हम तब चेक करते हैं जब यहाँ पर हमने देखा मात्र अभी हमें जनवरी के महीने में ही चल रहे, मात्र 1949 साल हमने पूरे किए हैं, 1950 साल में हमने एंट्री मारी है और मात्र 26 दिन व्यतीत किए हुए हैं और अगस्त का फरवरी का महीना नहीं आया है, तो इसके हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिर्फ इसमें लिख लेते हैं। जैसे अगर चेक करते तो 4 + 16 हो जाता और 16 चले जाते, 3 कैरी और 3 शेष बचता और 3 बचता यहाँ पर 35 हो जाते और 4 + 32 होते हैं, 3 शेष बचते यहाँ पर 30 हो जाते, 4 + 28, इसका मतलब यह साधारण वर्ष रहता, लीप वर्ष नहीं होता। तो यहाँ पर जब हम 1949 को लिखेंगे, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, जैसे अलग अलग खंडों में विभक्त करेंगे, तो इसको लिखेंगे 1600 + 300 और -49। 1600 में हमें मालूम है विषम दिनों की संख्या 0 होती है, 300 में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, 49 वर्षों में सर्वप्रथम हमें निकालने हैं कि यहाँ पर कितने लीप वर्ष हमारे बनेंगे, तो हमें 4 से भाग देना पड़ेगा और 4 से भाग देंगे, जितनी बार हमारा भाग जाएगा पूरी तरीके से उतने हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे। 4 × 4 और 4 × 8 यानी कि 12 बार जो है हमारा पूरा चला जाएगा, 49 में 12 = 48 हो जाएगा और 49 और 12 जब हम ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 2 = 11 4 × 1 = 5 और 1 = 6 कितना हो जाएगा, 49 और 12 = 61 हो जाएगा। और 61 में हमें विषम दिनों की अगर संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 का भाग देना पड़ेगा, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56 और 7 × 9 = 63, यानी कि 9 बार अगर जाएगा तो ज्यादा हो जाता है, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 7 × 8 = 56, यहाँ से 2.5 लेंगे 11, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ बचेंगे 5 में से 5 कुछ नहीं, तो यहाँ पर जो 49 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 5, अर्थात हो जाएगा 5 और 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और उसके बाद 26 जनवरी में हमें क्या करना पड़ेगा, विषम दिन निकालने पड़ेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से भाग देना पड़ेगा, 7 + 28, 2 ज्यादा हो जाते हैं, इसका मतलब 4 बार नहीं जाएगा 3 बार ही जाएगा, 7 + 21, 6 में से 1 जाएगा 5 और 2 में से 2 जाएगा 0, कुछ नहीं, रिमाइंडर बचा 5, अर्थात 26 दिन में जो विषम दिन आएंगे वो 5 आएंगे और हम इनको ऐड करेंगे तो 11 हो जाएंगे और 11 में अगर हम 7 से भाग देंगे, 7 से अगर हमने भाग दिया तो 7 × 7 और 11 में से 7 जब चला जाएगा तो 4 बचेगा, अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब 4 अगर शेष आया है तो क्या होगा, 1 आए तो सोमवार, 2 आए तो मंगलवार, 3 आए तो बुधवार और 4 आए तो बृहस्पतिवार, अर्थात 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को जो दिन था वह बृहस्पतिवार था। कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। तो मित्रों आपको बड़ा ही आसान तरीके से हमने यहाँ पर कैलेंडर के कुछ सवालों के बारे में बताया। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको फायदा हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतने, आगे फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।